राहुल महाजन और उनकी विदेशी पत्नी नतालिया के रिश्ते में आ गई दरार। राहुल नतालिया ने शादी के 5 साल बाद लिया अलग होने का फैसला। 1 साल से अलग रह रहे हैं राहुल नतालिया। तीसरी बार तलाक लेंगे बिग बॉस फेम राहुल महाजन। जी हाँ, टीवी के कई रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके राहुल महाजन अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहे हैं। राहुल महाजन का वैवाहिक जीवन हमेशा असफल रहा है। उनकी अब तक 2 शादी टूट चुकी है, वहीं अब उनकी तीसरी शादी भी टूटने के कगार पर है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल अपनी तीसरी पत्नी नतालिया से भी अलग हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल तक शादीशुदा रहने के बाद इस कपल ने पिछले साल तलाक के लिए अर्जी दी थी। अब एक सूत्र ने इसकी पुष्टि की है कि दोनों तलाक लेने जा रहे हैं और बताया है कि शुरुआत से ही दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी को लेकर इशू थे। हालांकि उन्होंने अपनी शादी को जितना पॉसिबल था खींचा, लेकिन पिछले साल दोनों ने अलग होने का फैसला किया और दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। इसके बाद से ही दोनों अलग रह रहे हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कपल का तलाक फाइनल हो गया है या ये अभी भी कार्रवाई चल रही है। वहीं जब राहुल महाजन से इस बारे में कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने ना तो रिपोर्ट का खंडन किया और ना ही इसे कंफर्म किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को निजी रखना चाहता हूँ। मैं किसी भी चीज पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है इस पर मैं अपने दोस्तों से भी चर्चा नहीं करता हूँ। हालांकि उन्होंने मेंशन किया, वैसे मैं अच्छा कर रहा हूँ। वही नतालिया ने भी अब तक इस खबर पर कोई कमेंट नहीं किया है। बता दें कि राहुल महाजन ने कुल 3 शादियां की हैं। पहली शादी राहुल महाजन ने जुलाई 2006 में श्वेता सिंह से की थी, जिसे वो करीब 13 साल से जानते थे। लेकिन शादी के अगले ही साल दिसंबर 2007 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का केस फाइल कर दिया। श्वेता ने राहुल पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके चलते 1 अगस्त 2008 को दोनों का तलाक हो गया। श्वेता से तलाक के बाद साल 2010 में टीवी रियलिटी शो राहुल का स्वयंवर की शुरुआत हुई और उन्होंने इस शो के जरिए नेशनल टीवी पर डिम्पी गांगुली से शादी की। इसके बाद डिम्पी ने भी राहुल पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया। वहीं श्वेता सिंह और डिम्पी गांगुली से तलाक के बाद राहुल की जिंदगी में नतालिया एलिना की एंट्री हुई। इसके बाद राहुल ने नतालिया से शादी कर ली, लेकिन अफसोस नतालिया संग भी राहुल ने अलग होने का फैसला किया है। बता दें कि राहुल और नतालिया शादी से पहले 1 साल तक रिलेशनशिप में थे। बाद में दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। राहुल ने साल 2018 में नतालिया से शादी रचाई थी। उनकी शादी बेहद कम लोगों के बीच कराई गई थी। वहीं नतालिया एलिना ने राहुल से शादी करने से पहले अपना धर्म परिवर्तन भी किया था और वो हिंदू बनी थी। शादी के बाद नतालिया और राहुल अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपना प्यार दिखाते नजर आते हैं। इस दौरान दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती थी, लेकिन अफसोस दोनों की ये केमिस्ट्री अब फैंस को दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।